बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो जो कोरोडार से रिलेटेड है और जो कोरोडार का मुकम्मल कोर्स हम बना रहे हैं उससे रिलेटेड है। तो आज लेसन नंबर 6 कोरोडार का आखिरी जो लेसन है वो लेके हाजिर हुआ हूँ। तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए, कंप्लीट देखिए, ताकि आप इसके जो लास्ट लेसन है, इसके जो सेटिंग वगैरह है, जो इंफॉर्मेशन है, उसके बारे में आपको मुकम्मल पता चल सके। और जिन दोस्तों ने मेरे बकाया जो 5 लेसन है वो नहीं देखे कोरोडार के, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वहाँ पे क्लिक करके वो वीडियो वॉच कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं कि कोरोडार के लेसन नंबर 5 में ये पहले जो ऑप्शन थे और जो टूल्स थे उनके बारे में मैंने कंप्लीट बता दिया था। अब इसमें टेबल और टूल्स, विंडो हेल्प जो ऑप्शन रहते हैं, इनके बारे में मालूम दूँगा। तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिले और आपको काम करने में कोई प्रॉब्लम वगैरह पेश ना आए। तो जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि तमाम अपडेट्स आपको मिलती रहें। और जैसे ही सब्सक्राइब करेंगे साथ बेल वाला आइकन शो होगा, उस पर भी क्लिक कर दें ताकि आने वाले तमाम अपडेट्स आपको फौरन मिलती रहें। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आते हैं हम टेबल पर। टेबल में सबसे पहला ऑप्शन है क्रिएट न्यू टेबल, ठीक है। यहाँ पर हम जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको इस तरह के रो और कॉलम्स की डिटेल बताएगा और उन कॉलम्स की हाइट और विड्थ के बारे में भी वो इंफॉर्मेशन दे रहा है कि आप उसकी कितनी रखना चाह रहे हैं। तो अगर आप रो यहाँ 6 रखना चाह रहे हैं, 8 रखना चाह रहे हैं, जितने रखना चाह रहे हैं उसे आप लिखेंगे और यहाँ से आप ये ओके करेंगे और कॉलम और रो आपके सामने शो हो जाएंगे। ये भी तरीका, दूसरा तरीका ये था, यहाँ से भी आप टेबल वगैरह लगा सकते हैं, ये लगा के यहाँ से भी आप इसकी तादाद कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे अगर आप आएँ तो यहाँ पे बैकग्राउंड वगैरह पे आप इसकी चेंज कर सकते हैं। ये देखिए आउटलाइन की जो बैकग्राउंड है वो चेंज हो गई है, कोई सा भी कलर दे सकते हैं। और ये अंदर वाली बैकग्राउंड आप इजीली लगा सकते हैं, ठीक है, कोई सी भी आप अपनी मर्जी से बैकग्राउंड लगा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद इसी में इंसर्ट भी कर सकते हैं, कोई रॉ या कॉलम वगैरह इंसर्ट करना हो तो वो भी कर सकते हैं। उसके बाद कॉलम सेल वगैरह कोई भी आप और चीज़ इसमें ऐड करना चाहें तो वो भी ऐड हो जाएगा। कोई इसमें कॉलम रॉ डिलीट करना चाहें वो भी सिलेक्ट करके डिलीट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये कन्वर्ट टू टेबल, इसमें क्या करना है, आप मिसाल के तौर पर ये टेबल है और इसमें ये कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, अब आपने इनको सेलेक्ट किया और यहाँ से आए टेबल में कन्वर्ट टू टेबल टेक्स्ट, ठीक है। अच्छा, अब आप उस टेक्स्ट को टेबल की सूरत में चाहते हैं या पैरा यहाँ से आप कोई भी बार अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। शॉर्ट कमांड बनानी हो तो वो भी बना सकते हैं, ठीक है। तो शॉर्ट कमांड से रिलेटेड मैंने पहले भी एक वीडियो बना दी है, आप वो भी वॉच कर सकते हैं। अगर वो आपने नहीं देखी तो इसको देख लें, इसमें आप शॉर्ट कमांड बना सकते हैं। यहाँ से आप कमांड बार को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद आप जो भी ऑप्शन ग्रुप अनग्रुप के आप कमांड बनाना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप सिलेक्ट करके बना शॉर्ट की पे क्लिक करना है। उसके बाद जो भी शॉर्ट कमांड याद करेंगे आप यहाँ इंटर करेंगे कीबोर्ड से और इस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद ओके करेंगे तो शॉर्ट कमांड आपकी बन जाएगी। अच्छा, इसके बाद शॉर्ट कमांड के बारे में कंप्लीट वीडियो मैंने बना के अपलोड की हुई, वो आप देख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद है कस्टमाइजेशन।
अच्छा, कस्टमाइजेशन में आप इसकी ये सारी चीज़ें जो हैं वो ये टूल्स वगैरह चेंज कर सकते हैं, ठीक है। स्मॉल, मीडियम, लार्ज जो भी साइज़ रखना रख सकते हैं इसमें। आप ये देखें, अब ये साथ वो इमेज भी शो कर रहा है इसके ना, और यहाँ पे ये डिफ़ॉल्ट कर देगा। और यहाँ पे अब अगर आप चाहें तो इमेज ऑन भी लगा सकते हैं, ये ऊपर कोरल रख के चेंज कर रहा है। और यहाँ पे ये देखें इमेज और साथ मेन्यू की वो बता रहा है, यहाँ डिफ़ॉल्ट रखेंगे तो ऐसे ही सही लगेगा। उसके बाद ये फाइल मोड है, फाइल मोड ख़त्म कर देगा, सिर्फ ये चीज़ें रहेंगी, बाकी चीज़ें ख़त्म कर देगा। आप इसको नॉर्मल पे रख दें, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसकी सेटिंग आप आसानी से जो भी चीज़ यहाँ पे करेंगे, ये साथ आपको प्रीव्यू दिखाई देता है आप क्या कर रहे हैं। अच्छा जी, इसके बाद है जी कलर मैनेजमेंट और प्लेट एडिटर। अच्छा, इसमें अगर आप कोई चीज़ कलर नया ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड नया कलर बनाएंगे यहाँ से, ठीक है। कोई सा भी कलर अपने हिसाब से बना सकते हैं, चाहे जितने परसेंट भी आप कोई कलर मिला लेंगे, उसके बाद यहाँ से ऐड प्लेट कर दें तो ये आपका कलर ऐड हो जाएगा। उसके बाद ओके कर दें, ठीक है, तो ये आपका कलर ऐड हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद अनडू का तो आपको पता होगा। उसके बाद व्यू मैनेजर, व्यू मैनेजर में ये जो F2, F2, F3 की जो हम कमांड्स वगैरह यूज़ करते हैं, ठीक है, ये उसका है। ये यहाँ से भी आप कर सकते हैं, अगर किसी को ये समझ ना लग रही हो तो यहाँ से भी आप इजीली कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद है जी ऑब्जेक्ट डेटा मैनेजर। यहाँ से आप जो भी वर्किंग कर रहे होंगे यहाँ पे शो कर रहा होगा, यार इसकी तफसील इतनी ज़रूरी नहीं है। ताकि आप लोग ज़्यादा कन्फ्यूजन हो, ये अगर आप चाहते हैं न्यू विंडो खोलें तो यही सेम पेज अगले पेज पे चला जाएगा, सेम ये डबल पेज हो जाएगा, देखो दो पेज हो गए हैं, ठीक है, वही डाटा उसी पे चला जाएगा, यानी कि उस पर कुछ नहीं होगा, सेम वही डाटा कॉपी होगा उस पे चला जाएगा। तो फिर ये आप विंडो का साइज चेंज कर सकते हैं, ये देखें। अच्छा, इसके बाद आप इसको ये हॉरिजॉन्टल भी कर सकते हैं और वर्टिकल भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप सारी सेटिंग जो है अपने हिसाब से कर सकते हैं इसको कलर प्लेट में। अब सबसे मसला है कलर प्लेट, ये जो साइड्स पे आपको कलर प्लेट नज़र आ रही हैं, ये देखें, ये मैं ख़त्म कर देता हूँ। अगर ये आपसे डिलीट हो जाती हैं तो आप इसको कैसे व्यू करेंगे कोरल ड्रा में, तो आपने यहाँ पे आना है विंडो में और यहाँ पे आपने आ जाना है कलर प्लेट्स में, और यहाँ पे ये CMYK के प्लेट्स, ठीक है, ये आप जो क्लिक करेंगे तो ये साइड पे आ जाएंगे ये सारी प्लेट्स वगैरह। किया और ये मेन्यू जो है इसका ख़त्म हो गया, ये आपको ऊपर नज़र कुछ नहीं आ रहा होगा, ठीक है। अब इस पर राइट क्लिक करूँगा खाली पट्टी पे, तो यहाँ मेन्यू पे क्लिक करूँगा तो ये मेन्यू आ जाएगा इसका, और इसके स्टेटस बार, ये देख स्टेटस बार इसकी ख़त्म हो गई, यहाँ से आप ख़त्म कर सकते हैं और लगा भी सकते हैं। प्रॉपर्टी बार भी आप, प्रॉपर्टी बार जो साइज वगैरह लगाते थे वो शो हो रहा था, वो भी यहाँ से आप ख़त्म और दोबारा लगा भी सकते हैं, ठीक है। यहाँ से सारे मतलब डिफरेंट किस्म के स्टाइल वगैरह हैं जिनको आप लगे, टैक्स का है, ठीक है, टैक्स का भी आप लगा सकते हैं, आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्तों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और ये लेसन नंबर 6 था ये कम्प्लीट हो गया।
और जिन दोस्तों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है और वो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि आगे भी आने वाली जो वीडियोस मैं अच्छी बना सकूं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और किसी और नए कोर्स के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।